Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. Today I have for you four more official letters, placing orders and sending replies. So let's begin with the format of placing orders. But before I start, I would like to say that if you like my video, kindly like, share and subscribe and keep tuned to my channel. Please remember, if you have anything to learn, anything you're interested, which I should put up in the video, kindly put it down in the chat box. Thank you so much, and let's begin now with the format of placing orders. In the format, पहले आप सबसे पहले लिखते हैं sender's address, फिर date. डेट और सेंडर्स एड्रेस के बीच में आप एक लाइन छोड़ सकते हैं. उसके बाद डेट के बाद एक और लाइन छोड़ते हैं, देन रिसीवर्स एड्रेस, और फिर आपका आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जैसे प्लेसिंग ऑर्डर है तो प्लेसिंग ऑर्डर फॉर या प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ जो भी चीज़ आप भेज सप्लाई कर रहे हैं. मे बी इट्स फॉर बुक्स, इट्स फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स और एनीथिंग एल्स. तो आप लिख देंगे placing an order, आप order place करें for supply of that particular thing. अब फिर salutation आता है आपका, sir. Now kindly arrange for the supply of the जो item का नाम है the following sports items at earliest convenience with discount permissible. जितना भी discount आपको उस साल के लिए permissible है for the year 2020-21. Now इसके बाद आप एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें आप चार कॉलम्स या तीन कॉलम्स रख सकते हैं. पहला कॉलम है आपका सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ द आइटम, थर्ड नेम ऑफ द ब्रांड एंड फोर्थ इज क्वांटिटी. अगर आप नेम ऑफ द ब्रांड नहीं लिखना चाहते तो आप फर्स्ट थ्री कॉलम्स लिख दीजिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम एंड क्वांटिटी. अब उसके बाद लिखते हैं आप प्लीज़ इंश्योर. किस चीज़ के लिए आप इंश्योर करते हैं? कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए जब वो डिस्पैच होते हैं. सो प्लीज़ इंश्योर द क्वालिटी एंड कंडीशन बिफोर इट इज़ डिस्पैच्ड, एंड पेमेंट विल बी मेड बाय चेक. और कब? जब एज सून एज इट इज़ डिलीवर्ड. जैसे ही वो आप डिलीवर करेंगे हमें वो आइटम्स, तो हम जो है आपको पेमेंट कर देंगे थ्रू चेक. एंड आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रहेगा योर्स सिंसियरली एंड जो भी नाम दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में. अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ प्लेसिंग ऑर्डर के. यू आर रीना ऑब्लिक रोहित, द लाइब्रेरी इंचार्ज ऑफ ग्रीनवे इंटरनेशनल स्कूल, रोहिणी, दिल्ली. अब राइट अ लेटर, आपने लेटर लिखना है टू एम ऑब्लिक एस, राज बुक पॉइंट, वसंत विहार, न्यू दिल्ली, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स. अब आप ऑर्डर प्लेस करें बुक्स को के लिए, आप लाइब्रेरी इंचार्ज हो. और सबसे पहले फिर आपका सेंडर्स का एड्रेस क्या रहेगा? ग्रीनवे इंटरनेशनल स्कूल, रोहिणी, दिल्ली. एंड फिर आप लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ के आप रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, वो जो है एम ऑब्लिक एस, राज बुक पॉइंट, वसंत विहार, न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट आपका आ गया प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स. अब आपने सैल्यूटेशन लिख दिया, सर यू हैव अ वेरी गुड कलेक्शन, या आप लिख सकते हैं यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ हैविंग अ वाइड वेराइटी ऑफ बुक्स. आप सीधा लिख सकते हैं यू हैव अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, फिक्शन, नॉवल्स, टेक्स्ट बुक्स एट्सेट्रा, एंड योर बुक्स आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर है उनकी. आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ बुक्स, मैंने आपका लेटेस्ट कैटलॉग बुक्स का देखा है और उसमें उसको देखकर मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया हूँ फॉर द फॉलोइंग आइटम्स एज पर स्कूल रिक्वायरमेंट. फिर आप सीरियल नंबर डालते हैं, नेम ऑफ द बुक लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं. जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 डाल के लिख दिए, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स, क्लास 12, जनरल नॉलेज, स्टोरी बुक्स, और उनकी क्वान्टिटीज़ लिख दी 10, 6, 10, 8, 26. हर एक की अपनी अलग अलग क्वान्टिटी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है एज पर स्कूल रिक्वायरमेंट. फिर हमने लिखा प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल द बुक्स आर इन गुड कंडीशन एंड डिलीवर्ड इन स्कूल बिफोर 1 PM, क्योंकि छुट्टी हो जाती है उसके बाद. एंड काइंडली सेंड द बिल विद मैक्सिमम डिस्काउंट. बिल में मैक्सिमम डिस्काउंट दीजिए
जो स्कूल्स को ऑफर किया जाता है, ऑफर टू स्कूल्स। सो इसमें सेल्स डीलर को आप लिख रहे हैं, बुक डीलर को आप लिखेंगे योर्स ट्रूली और रीना। अब चलते हैं फॉर्मेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, और इसमें है सबसे पहले वही सेंडर्स एड्रेस, फिर आप लिखेंगे एक लाइन छोड़कर डेट, फिर एक लाइन छोड़कर आप लिख देंगे द सेल्स मैनेजर, जिसको भी लिख रहे हैं आप उसका, उसको एड्रेस करते हुए फिर उसका द सेल्स मैनेजर लिख दिया और उसके नीचे उसका एड्रेस, एंड फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपने लिखा कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ, जो भी आपने बुक्स मंगवाई थी या स्पोर्ट्स आइटम लेट पहुंची इसीलिए आप उसका ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। तो पहले फिर सर लिखते हैं सैल्यूटेशन जो होता है, फिर आप ऐसे शुरू कर सकते हैं विद रेफरेंस टू आर प्रीवियस ऑर्डर, नंबर ऑर्डर का कोई भी नंबर दे सकते हैं 3421 6431, डेटेड जो डेट है राइट, सपोज आज 2nd जुलाई है तो आप लिख सकते हैं 28 जून राइट, और 28 जून 2021। रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ बुक सपोज लिख दिया, या आपने लिख दिया कि आपने कुछ मटेरियल मंगवाया है किसी फैक्ट्री के लिए तो वो आया नहीं है, सब मटेरियल लिख सकते हो। सप्लाई ऑफ डैश में प्लीज़ बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड, क्यों आप एज कैंसल्ड बोल रहे हैं, सिंस द सेम हैज़ नॉट बीन सप्लाइड बाय यू टिल डेट। तो आपने लिखा है कि यू हैव डिसऑनर्ड, आपने इस चीज़ का निरादर किया जो आपने बोला था कि द टर्म्स एंड कंडीशंस दी थी कि ऑर्डर इस दिन पे पहुंच जाएगा 2-3 दिन के अंदर, तो इससे क्या हुआ है, हमें जो ऑर्डर डिले हो गया है, इट हैज़ रिजल्टेड इन द लॉस, अ लॉस टू आवर कंपनी एज वी कुड नॉट सप्लाई, जो वही मटेरियल हमने द सेड मटेरियल जो है, जो हमने ऊपर लिखा है मटेरियल, वो हमने सप्लाई करना था फर्दर टू आवर क्लाइंट्स और वो नहीं हो पाया। तो आप लिखते हैं प्लीज़ ट्रीट आवर ऑर्डर कैंसल्ड एज वी आर अरेंजिंग द सप्लाई फ्रॉम समवेयर एल्स, अब आप किसी और सम अदर प्लेस से आप अरेंज कर रहे हैं तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि इसे कैंसिल ट्रीट कीजिए, और लिख देते हैं आप योर सिंसियरली एंड फिर अपना नेम, एंड इफ डेजिग्नेशन इज गिवन यू कैन गिव द डेजिग्नेशन, अदरवाइज आप नेम सिंपली भी लिख सकते हैं। देन एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर सीमा ऑब्लिक रवि इन चार्ज ऑफ कल्चरल कमिटी ऑफ दीप मेमोरियल स्कूल मानक विहार दिल्ली, अब यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स फ्रॉम ए के स्पोर्ट्स यमुना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिल्ली, एंड एज अ डीलर डिड नॉट सप्लाई द इंस्ट्रूमेंट्स, एज अ डीलर डिड नॉट सप्लाई द, आपने क्या मंगाया है स्पोर्ट्स आइटम्स राइट बिफोर द ड्यू डेट, यू वर फोर्स्ड टू परचेज फ्रॉम सम अदर स्टोर, फिर आपने सोचा मैं किसी और स्टोर से लूँ, बहुत डिले हो गया, आई मस्ट बाई दी आइटम्स फ्रॉम सम अदर स्टोर, राइट अ लेटर टू द डीलर फॉर कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर प्लेस्ड बाई यू एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू रिटर्न द एडवांस, आपने कुछ एडवांस भी दिया था, मनी डिपॉजिटेड बाई यू। अब कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर जो हम इसका लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है दीप मेमोरियल स्कूल, जो कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर का हमें क्वेश्चन पूछा गया हम इसका ये लिखेंगे दीप मेमोरियल स्कूल मानक विहार दिल्ली, देन एक लाइन छोड़कर डेट 27 जून 2021, फिर द डीलर यमुना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिल्ली, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट दैट इज़ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स, फिर सैल्यूटेशन सर, फिर विद रेफरेंस टू आर प्रीवियस ऑर्डर नंबर, इधर हमने दे दिया नंबर 2481 डेटेड 27/6/2021, रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स मे प्लीज बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड सिंस द सेम हैज़ नॉट बीन सप्लाइड बाई यू टिल डेट, आज तक अपने सप्लाई नहीं किया, जो डेट हमने बोली थी तब तक आपने सप्लाई नहीं किया, सो यू हैव डिसऑनर्ड द टर्म्स एंड कंडीशंस, सो वी हैव यू नो परचेज्ड इट फ्रॉम समवेयर एल्स, सो प्लीज ट्रीट आवर ऑर्डर, जो हमने लाइंस हमने बोली हुई है उधर, प्लीज ट्रीट आवर ऑर्डर कैंसल्ड राइट, प्लीज ट्रीट आवर ऑर्डर कैंसल्ड एंड काइंडली
क्या मांग रहा है वापस, काइंडली रिटर्न द एडवांस मनी डिपॉजिटेड बाय अस। आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर सिंसियरली, देन आपका नेम इधर क्या दिया गया आपको, जो आपका नेम दिया गया है सीमा फॉर गर्ल्स एंड रवि फॉर बॉयज, सो विल राइट सीमा, सो हु आर यू, स्पोर्ट्स कैप्टन, सो यू कैन राइट द डेजिग्नेशन एज वेल। नाउ वी विल कम टू एन एग्जाम्पल जिसमें रिप्लाई है, राइट अ रिप्लाई टू द अबव लेटर एज अ डीलर गिविंग रीजंस फॉर नॉट एबल टू सप्लाई द ऑर्डर। अब वो जब आपने ऐसा लिखा तो डीलर रीज़न दे रहा है कि वो सप्लाई क्यों नहीं कर पाया ऑर्डर, उसने द डीलर, आप सबसे पहले क्योंकि सेंडर्स एड्रेस इधर डीलर है, द डीलर जो है उसका एड्रेस लिखेंगे ए के स्पोर्ट्स यमुना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़कर डेट, फिर एक लाइन छोड़कर द इंचार्ज, या आप लिख सकते हैं द स्पोर्ट्स कैप्टन, दीप मेमोरियल स्कूल मानक विहार दिल्ली। नाउ सब्जेक्ट इनएबिलिटी टू सप्लाई ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स। अब फिर आपने लिख दिया सैल्यूटेशन सर विद रिस्पॉन्स और विद रेफरेंस टू योर ऑर्डर नंबर, विद रेफरेंस टू योर ऑर्डर नंबर 2481 डेटेड 27 जून 2021 फॉर सम स्पोर्ट्स आइटम्स। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट द सप्लाई स्टैंड्स डिलेड, डिले हो गया सप्लाई में क्यों, ड्यू टू सम लॉजिस्टिक इश्यूज इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिससे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकी चीज़ें स्पोर्ट्स आइटम आपको आइटम्स जो हैं, सो वी रिग्रेट, तो हम सॉरी फील करें फॉर द इनकन्वीनियंस जो आपको असुविधा हुई है, एंड अश्योर योर, अश्योर करते मीन्स हम पक्का करते हैं दैट योर ऑर्डर विल रीच यू इन अनदर 3 to 4 days, योर सिंसियरली अनिल, जो भी आपको नाम दिया गया है, इधर नाम नहीं दिया तो हमने लिख दिया अनिल लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं आशा, राइट, अगर पूरा नाम दिया तो अनिल गुप्ता आशा गुप्ता लाइक दिस एनी नेम यू कैन पुट, सो हियर वी हैव पुट द नेम एज अनिल गुप्ता, एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो ऑफ टुडे। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, take care, stay safe, stay healthy, God bless.